वेलकम टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि अब मैं मक्का में मौजूद हूँ, तो इसलिए हम आज ग्रॉसरी करने के लिए निकले हैं। तो हमने कहा क्यों ना हाइपर पांडा को ट्राई किया जाए, क्योंकि नूरी, आयला और डिस्काउंट टावर वगैरह हम पहले एक्सप्लोर कर चुके थे, इसीलिए आज हम हाइपर पांडा आए हैं। अंदर चले। ये जी हाइपर पांडा मक्का का। एंटर होते ही सामने हमें बड़े बड़े रेड और येलो कलर के टैग्स नज़र आ रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सेल भी लगी हुई है, डिस्काउंट प्राइस पे कुछ चीज़ें मिल रही हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे कई ज़्यादा मॉल्स हैं ऐसे जिनमें ऐसे लगे हुए हैं। जिस तरह ये देखिए रेड और येलो कलर के टैग्स लगे हुए हैं, इस आइटम पर आपको सेल मिलेगी। उसके अलावा हर चीज़ को इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से उसको रखा हुआ है और उनमें काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। ये हमारे इम्तियाज़ की तरह ही हैं, लेकिन यहाँ पे हिसाब किताब डिफरेंट है। यहाँ पे आपको चीज़ों में वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आपने एक फल लेना है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेंगी। अगर आपने एक ब्रेड ही लेनी है तो उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है। कॉर्नर, डेट्स, ब्रेड, पेस्ट्रीज, पोट्री। ये देखें आप, जैसे ये फ्रूट्स हैं तो ये आपको फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेगी। आपके पास मतलब एक्स्ट्रा लार्ज किस्म के साइज़ हैं इनके। आप देखें ये सेब है, पैकिंग में मिलेंगे आपको, खुले मिलेंगे किलो के हिसाब से, वैसे जैसे आपको चाहिए चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी। ये फ्रूट्स हैं, वो पैक्ड वाले फ्रूट्स हैं, सारे पैक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर फ्रेश डेली लिखा है, तो मतलब ये डेली के फ्रेश फ्रूट्स आते हैं। आपको यहाँ पे हर वैरायटी का फ्रूट मिलेगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन यहाँ पे हर किस्म का, हर सीज़न का फ्रूट अवेलेबल होता है। उसके अलावा आप सफाई देखिए, कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज वे में इसको रखा हुआ है, और सफाई कितनी ज़्यादा है। पैक्ड फ्रूट्स के साथ पैक्ड वेजिटेबल्स भी पड़ी हुई हैं। उसके अलावा खजूरों में इतनी ज़्यादा वैरायटी है, जमजम है, पानी में बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ पे वैरायटी है, हर तरह का पानी मिलेगा यहाँ पे। हर चीज़ का अलग अलग कैबिन है, ये वेजिटेबल्स का एरिया। उसके अलावा ये देखें वेजिटेबल्स, ये खुली हुई भी पड़ी हैं, किलो के हिसाब से भी मिल रही हैं, वैसे भी हैं। आप चाहें तो आराम से एक किलो का यहाँ से वेट करवाएं, जिस तरह आप इम्तियाज़ से लेते हैं कि पहले आप वेजिटेबल्स लें उसके बाद उसका वेट करवा के उस पर टैग लगा के ले लें। वेजिटेबल्स के लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे रस वगैरह, ब्रेड्स वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें पड़ी हैं जो कि बेकरी के आइटम्स में आती है, पेस्ट्री बेकरी के आइटम्स में आती हैं। रस कितने का देखें, ब्लू वाला, ये बेकिंग डेजर्ट्स हैं। यहाँ पे आपके पास बेकिंग की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके अलावा चीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा इधर वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें है। ये अंडे वगैरह का कैबिन है, अच्छा बना हुआ है हाइपर पांडा। अब हम फिर से ब्रेड एंड पेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, आगे भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है। ये रस वगैरह का एरिया जो अभी हम पहले देख के गए हैं, यहाँ से हमने ब्लू वाला रस उठाया, बड़ा मज़े के रस लग रहे हैं। और प्रॉपर इसके अंदर के रस जो है ना, वो भी प्रॉपर एक एक पैकेट में तीन तीन रस मौजूद है। अब मैं आपको वेजिटेबल्स में एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ कि हरी मिर्च का आप साइज़ चेक करें, इतनी बड़े साइज़ की हरी मिर्च है कि एक हरी मिर्च एक हाथ से भी ज़्यादा लंबी लग रही है। इतनी बड़े साइज की हरी मिर्च आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये छोटी हरी मिर्च है और ये बड़ी हरी मिर्च है, साइज चेक करें, उठाओ जरा एक एक। अभी ठीक है, अभी लाल है, हाँ अच्छे भी बड़ी। ये चेहरे आसान रहते हैं, शिमला मिर्च का। ये देखें जी मिर्च का साइज चेक करें कितनी बड़ी है। ये देखें ये और अब हमने जाना था आगे, ये चीज है हर साइज की, पर वह चीज देखो तुम साइज में, और ये है जी आपके बटर और चीज फिश वगैरह। ये दही, मक्खन, मक्खन, दही, पनीर, ये मछलियाँ हैं, ये सारी हमारी। हम आए हैं आज हाइपर पांडा की तरफ।
ये अंडे वगैरह ठीक है, वो भी सारे पीछे से अंडे वगैरह, ये भी पीछे से अंडे अंडे ही अंडे ये देखें जी, मक्खन कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में। और ये हैं जी हमारे बेकिंग प्रोडक्ट्स, ये भी चीज़ है क्रश्ड चीज़, ये क्रश चीज़ है, उसके अलावा मोज़रेला चीज़, डिफरेंट सारी चीज़ेस हैं, ये सब चीज़ें हैं। और ये जैतून है, ऑलिव्स, और डिफरेंट शेड्स के, डिफरेंट फ्लेवर्स के ऑलिव्स हैं, ब्राउन ग्रीन ऑलिव, और यहाँ पे है जी ब्लैक ऑलिव, ग्रीन ऑलिव, ये ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये मुरब्बे हैं आगे, ये सारे मुरब्बे वगैरह पड़े हैं। इन्होंने इसको ग्राम्स के हिसाब से रखा हुआ है और ग्राम्स के हिसाब से इसका वेट करके इसको सेल करते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको जैतून दिखाती हूँ, कितनी अच्छी क्वालिटी के जैतून हैं, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ऑलिव्स। और सऊदी और टर्किश वगैरह तो अपने नाश्ते में हर चीज़ में इनको यूज़ करते हैं, ये देखें। और ये मुरब्बे वगैरह शुरू हो गए हैं, आम का और डिफरेंट चीज़ों के मुरब्बे, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते सही तरीके से जिनके ये मुरब्बे, ठीक है। ये आगे नूडल्स वगैरह हैं आपके, ये सारे बिस्किट्स नूडल्स, ऐसे सारी चीज़ें बनी हुई हैं, अच्छा एरिया बनाया हुआ, अच्छा कॉर्नर है। और ये अंडे हैं, ये नूडल्स, चिकन, ये चिकन कॉर्नर है, ये चिकन है मसाले वाला, मसाले के बगैर, ये कीमा, और ये डिफरेंट चिकन के प्रोडक्ट्स हैं पीसेस पीसेस के बगैर, ये हमारा चिकन जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं खाल वाला, वो है पूरा यहाँ पे पैक्ड होते हैं, पूरे के पूरे चिकन होते हैं, उनको आपने खुद ही करना होता है, ठीक है। ये नूडल्स, वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फंटा कोक वगैरह, ये ड्राई फ्रूट्स आ गए आपके, वो दालें वगैरह, दालें वगैरह हो गई सारी, और ये ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है, ये भी सब ड्राई फ्रूट्स हैं। ये हो गई हमारी ड्राई फ्रूट्स, फिर से ये सारी दालें, चीनी वगैरह, दलिया, गेहूँ, मसर, ऐसे सारी चीज़ें, ये देखिए मूंगफली निकली हुई है, ड्राई फ्रूट कटा हुआ है, पिस्ता, ये कटिंग वाले ड्राई फ्रूट्स वो है जो आप गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारी बिजी लाइफ को देखते हुए इन्होंने हर चीज़ में सहूलतें पैदा कर दी हैं, आसानी कर दी है, ताकि आप इजीली शॉप करो और इन्जॉय करो। चिकन आइटम्स, अच्छा ये देखें, ये चॉकलेट्स, बिस्किट, केक, ये सारे पेस्ट्री ब्रेड आइटम्स में आ रहा है, बंद वगैरह हैं जो, ये डिफरेंट फ्लेवर ऑफ क्रोसेंट्स हैं, चॉकलेट, हनी, बटर, कैरेमल। आगे हमारे पास डोनट्स, बिस्किट्स, केक्स वगैरह, और मतलब काफी ज्यादा बेकरी आइटम्स वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये भी क्रूसेंट्स और बिस्किट्स वगैरह, पेस्ट्रीज वगैरह। जी मैं आपको चिकन दिखाती हूँ, ये पीसेस में है, आधा आधा किलो के पीसेस है, ये 19 रियाल का आधा किलो है, हम 18 रियाल का 900 ग्राम लेते हैं, और ये तो काफ़ी ज़्यादा उसके हिसाब से एक्सपेंसिव पड़ रहा है। मतलब आपको अगर कोई भी आपने चीज़ लेनी है ना, आपको बेशुमार ये मीट है, बेशुमार वराइटीज़ हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है, बेशुमार आपके पास वराइटीज़ हैं। ये चिकन जो हम यूज़ करते हैं,
हम ये पोर्शन की तरफ आए हैं। ये मीट है, ये मीट है सारा, यहाँ चीज मीट, ये तेल है, कोकोनट है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिस तरह कि आप देख सकते हैं कुकिंग ऑयल, चॉकलेट सॉसेस है, डिफरेंट वाली सॉसेस है, फिर उसके बाद विनेगर्स की काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ है, सॉस है, सोया सॉस है, विनेगर है, उसके अलावा नोटेला वगैरह है और कंडेंस मिल्क है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको ऑप्शंस है, क्रीम्स है, वाइपिंग क्रीम है और काफ़ी ज़्यादा सॉसेज है, मतलब बेकिंग की बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर, वनीला एसेंस और काफ़ी ज़्यादा बेकिंग के आइटम्स हैं। आप यहाँ पे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स चेक करें, उनका कलर कितने अच्छे हैं, कितने फ्रेश और कितने अच्छे इन्होंने पैकिंग में भी रखे हुए हैं। चेरीज, रेड चेरी, ब्लैक चेरी, बेरीज, ये भी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स। ये नाशपाती है, ये देखें जी, डिफरेंट वैरायटी ऑफ टोमेटोज, कितने डिफरेंट साइज के टोमेटोज हैं। अभी बहुत सी चीज़ें देखने के लिए, बहुत बड़ा मॉल है। अभी हम इसकी एक साइड पे हैं, फ्रूट्स मतलब ईटिंग साइड पे है, अभी हमने इसके यूटेंसिल साइड पे जाना है, वॉशिंग साइड पे जाना है। ये सारे टमाटर हैं, ये कौन है छली पैकिंग में, ये ब्रॉसली है, ये बंद गोभी है, साथ में टमाटोज हैं, ये गाजर वगैरह, ये लहसुन, हरी मिर्च वगैरह पैकिंग में है, सारी चीज़ पता कितनी महंगी है, सारा ड्राई फ्रूट्स है। वाटरमेलन का साइज देखें, कितने कितने बड़े साइज का वाटरमेलन है। अभी और भी बहुत कुछ था वीडियो के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट अप किया। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।